हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत उदय ब्लॉज ब्लॉग के साथ में हो गई है सुबह। चलो लग जाते हैं, शायरी टाइम हो चुका है। शायरी में मैंने बनाई हूँ कीमा और रोटी, तो आपको पता है मैंने रात में बना दी थी, तो अब निकालती हूँ, सब गर्म करती हूँ, बच्चों को देती हूँ और बताती हूँ, बच्चे सब उठे हुए, तो मिलती हूँ आपको शायरी के साथ में। तो गाइज, यहाँ पे शायरी की तैयारी शुरू है। मैंने कीमा गर्म कर दी हूँ, मस्का भी बाहर निकाल दी हूँ, पाव और दही भी रखी हुई। अपने ब्लॉगर भैया कर रहे हैं शायरी। हमें जिदान उठ ही नहीं रहा है आज, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिदान, जिदान उठो, शायरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा बेटा। तो गाइस, जिदान जा रहा है स्कूल क्योंकि एग्ज़ाम है ना बच्चों का। अब वो चलिए तैयार हो गए, दो अपने शूज़ वगैरह पहुँच के वो तैयार हो जाएगा। वो ना शायरी करके सो गया था बच्चा मेरा, तबीयत उसकी ख़राब है ना, इस वजह से शायरी करके सो गया। अब जल्दी जल्दी करके जाएगा और जल्दी जल्दी करके आके सोएगा ना बाबू। घर से बाहर निकल के दुआ पढ़ के फूको। चलो निकल गया ये अपने काम से, अल्लाह इसको कामयाब करे। गाइस, जिदान तो निकल चुका है, अब जाके आएगी मुझे नींद क्योंकि वो अब निकला है। ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम रहेगा, हम पेरेंट्स को नींद लग जाएगी, सो जाएंगे, बच्चे का पेपर चला जाएगा, वैसा मुझे भी फील होता है। इस वजह से शायरी करके नमाज़ पढ़ के मैं सोती नहीं हूँ, जागी ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहती हूँ कि आँख ना लगे। तो अब गया है, अब जरा सोऊंगी, मिलती हूँ आपको बाद में। तो गाइस, हो गई है सुबह और पानी मुझे आज भी नहीं मिला। नीचे जाके पूरा देख के आई, इतने झगड़े चालू, पानी के लिए इतने दफड़े चालू, मोटर चालू करो तो मेरा नंबर आया था का तो पानी ही चला गया। तो मैं आपको झगड़ा भी बताऊँगी वहाँ का, सब बताऊँगा। चलो दीजिए, देखो आज फिर यहाँ पे पानी का पूरा तमाशा चालू है। आज तो मुझे ज़रा भी नहीं मिला पानी, तो सब यहाँ वहाँ से कैसा इतना झगड़ा हो रहा था। अभी यहाँ पे ज़रा भी शांत हुआ है, तो कहाँ कहाँ से बेचारे सब पानी भर रहे मेरे वाले, अपना शादाब देखो, पानी नहीं है बच्चे को। पानी तो नहीं मिला, थोड़ा पानी मिला है चलेगा इंशाल्लाह, कल तक देखते रहे, तो वरना पहला नंबर तो अपन ही लेंगे भाई। ये कपड़े वगैरह सब बाकी है, कहाँ धो, विरार लेके आके धो, इतनी ताकत नहीं है रोज़ा रख के तो धूप जाने की। तो मैं लगी हुई अपने काम पे गाइस, मैं आपको बता दी कि मैं आप क्या कर रही हूँ। मैंने आलू चढ़ा चुकी हूँ, आज कुछ नई डिश बनाएंगे और दाल धो के रखी हूँ क्योंकि यार दाल चावल बनेगा अपना। और आप देख सकते हो कितना जल्दी आज कांदे काट के रखी हूँ क्योंकि कल ना बहुत लेट हो गया था, ये तो भूल ही गई थी मैं बनाना, तो ये इसके लिए आज जल्दी कट करके रखी हूँ। गाइस देखो, यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई, बिस्मिल्लाह, तो पकाना है जल्दी जल्दी। आप देख सकते हो, तो चले गए मसाले, ये मसाले अभी जा रहे हैं और अपना जाएगा इमली का पानी, बिस्मिल्लाह। और इसकी क्या खुशबू आती है ना, ट्राई करके आप भी घर पे देख सकते हैं। तो गाइस देखो, बिस्मिल्लाह, चना भी डाल लियो, अब ये उबलेगा अच्छे से और पूरे एक जान हो जाएगी पूरे मसाले। यहाँ अपने चने पक चुके हैं गाइस, देख सकते हैं, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और यहाँ पे मैंने इसकी भी तैयारी कर ली है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा मार्केट जाना पड़ेगा कुछ चीज़ें लाने। और यहाँ देखो, चिकन धो के रखी हूँ, इसकी तैयारी कर लेती हूँ। कांडी मैंने निकाल चुकी हूँ, अब इस कांडी को धो के यूज़ करूँगी, सोच रही चिकन कांडी बना लूं, आधी उठा के रख दूंगी, हाँ आधा उठा के रखती हूँ। गाइस यहाँ पे पूरे मसाले में से लगाने की तैयारी में हूँ। ये है कॉर्नफ्लावर, ये मैदे का आटा, ये मैदे का आटा, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, काली मिर्ची पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और ये ब्लैक पेपर सॉस, ज़्यादा नहीं, एक चम्मच कितना ही डालना है, और ये रेड चिली सॉस डालना है। और हम इसे अभी एक अंडा डाल के मैश कर लेंगे। तो गाइस इसमें अंडा जा चुका है, अब इसे अच्छे से मैल करके मैं रख दूंगी आधा एक घंटा। और कांदा और शिमला मिर्ची काट के उसे चेक्स वाले पीसेस बना के रखूँ क्योंकि कांडी में भरना है ना, तो मैं मिलती हूँ आपको ये मिलाने के बाद। इसमें
मैं फूड कलर भूल गई थी, फूड कलर लगा के इसे रख दी हूँ और यहाँ पे पूरी सब्जियाँ काट के रख दी हूँ। और मैं आपको बताऊँगी किस तरह भरना है, और ऐसे तो आप सभी को आता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर मैं भर के ही बताती हूँ। तो गाइस देख सकते हो मेरी ये कांडी तैयार हो गई है। ऐसी सारी कांडियाँ मैं तैयार करके रख दूँगी, तो आप माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। देखिए तो गाइस यहाँ पर मैं कैरेमल कस्टर्ड बना रही हूँ, आप देख सकते हो कि आज इसके अब्बू की सारी मनपसंद चीज़ें बनाऊँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कैरमल कस्टर्ड मेरा तैयार उबल रहा है, और यहाँ पे पूरी कोटिंग मैंने कर दी हूँ इनकी। और यहाँ आती हूँ आपको बताती हूँ क्या बना रही हूँ। ये चिकन पीसेस है, और मैंने आलू को क्रश कर लिया हाथों से, काली मिरी पाउडर, क्रश किया हुआ चिली, और यह है चिकन मसाला, यह है कोथमीर, ब्रेड क्रम्स और नमक डाल के मैंने आलू को ना हाथों से बहुत अच्छे से मशीन से क्रश कर लिया। देखा एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए उसमें। और डाले अच्छे दिल से कोथमीर डाली हूँ, धनिया, धनिया, काली मिरी पाउडर, शायद मैं बोलना भूल गई होगी तो वो डबल से बोल देती हूँ। अब इसको बनाऊँगी मैं छोटे छोटे लॉलीपॉप्स। ये मेरी बेटी बिखार बोलती, बहुत दिन से आई नहीं, दो तीन दिन से बुखार चल रहा था इसको, तो अभी आई है तो बोलती है तुम्हारे बर्थडे का क्या चाहिए। देखो मेरे बर्थडे का केक, इधर देख इधर क्या चाहिए, मेरे बर्थडे का केक चाहिए। हाँ। तू तो थी नहीं इधर मेरे बर्थडे के टाइम, क्या करने बीमार होने गई थी। तो ये मुंडी दिखा इधर मुंडी, अरे मेरे 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 फेस पे, फेस पे। और तो इंशाल्लाह भी ये मेरी तैयारी चालू है, तैयारी चालू कर दी है शहनाज ने, तो देखते हैं इंशाल्लाह। ये शायद ये चना है, और ये कांदे का भजिया, ये कांडी बनाई, कांडी बनाई है, और ये लॉलीपॉप, और ये चिकन लॉलीपॉप का फेवरेट कैरमल कस्टर्ड, कैरमल कस्टर्ड, इतने दिन के बाद हमारे हाथों में आए हैं ना बर्थडे बॉय। और ये बच्ची आई है मेरी, और ये फातिमा झोल में आई है अपने, ये बर्थडे बॉय हमारे हाथ में दो तीन दिन के बाद आए हैं, तो आज इनकी खातिरदारी करेंगे। देखिए इंशाल्लाह अभी क्या तीन चार दिन से बिजी था, जरा बाहर बाहर रोजा खोल रहा था, यहाँ दावत वावत दावत में था, आज इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ, अपनी वालदा के साथ और बहनों के साथ और मेरी वाइफ जान के साथ खाएंगे, और बच्चे लोग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह सबको ये मौका दे, इस सारी हर किसी को ये मौका दे, खा रहे ऐसा हर किसी को अल्लाह ताला हर साल जैसा हम लोगों को मौका देता है वैसा हर साल दे, और ऐसी 50 रमजान हम लोग इंशाल्लाह साथ में, आमीन, बच्चे भगा दे मुंह में डालने को दाना नहीं, नाना तुम कब्रिस्तान जाना नहीं। देखिए ये हमें कांडी लगा दी इसको, ये कुछ अलग ही जात है, आपने YouTube पे बहुत जगह देखा होगा, हर कोई ट्राई कर कुछ अलग सा करने की कोशिश, देखते हैं इनका क्या है, ये तो कर गुजर जाते हैं, भुगतना तो हमको पड़ता है। चलिए इसको जो भी नाम दे, बोलते ना इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, अब नाम तो देना ही पड़ेगा, और प्यार नहीं है मुसीबत है, फिर भी इसको प्यार कहना पड़ेगा हमको। इसके ऊपर कहा जाएगा इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, पेट के हालात को कैसे अंजाम दूं। ठीक है, फिर भी इंजॉय करेंगे, रोजा है तो देखते हैं इंशाल्लाह। अभी ये बना रही है, देखिए एक तो रोजे में इतनी मेहनत करती है, तो अपन कुछ बोल भी नहीं सकते, आइसक्रीम की काढ़ी लगावे या पेप्सी कोले के बॉटल में डाल देवे, खाने से मतलब है अपने को। देखिए और ये फातिमा चने को देखो बना रही है, चना बना रही है, देखा इधर देख फातिमा, अच्छा अच्छा खाने के लिए आने का है, ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब मिलके फ्राई करो। ओह माय गॉड, ये देखिए झूलता मीनारा आ चुकी है, बाल देखिए गुंजातुन के बाल देखिए, कांताबाई के जैसे इनके बाल, खट्टा कह रहे और ये देखिए अभी माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं क्या बनाते हैं, और ये अभी ये फ्राई करेगी शायद मेरे हिसाब से, और इसको ना अंडे की कोटिंग करके, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके, फिर
इसी तरीके से अभी असर का वक्त होने जा रहा है। तो गाइस यहाँ अंडे में फेंट रही हूँ, तो अब चलो इधर काम के लिए चलो, इसे अंडे की कोटिंग कर लेंगे अच्छे से और साथ में इसे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। मैं ब्रेड क्रम्स इस थैली में ही रखती हूँ, ठीक है, इस तरह पूरा लग जाता है देसी जुगाड़ है मेरा। और इसे ना इसी लगा के ना थोड़े टाइम रख देने का, तो ना पूरा थोड़ा सूख जाएगा। तो ऐसे में पूरी तैयार करके आपसे मिलती हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ना एक हाथ से और एक हाथ से बनाना नहीं जमता है। तो गाइस मैंने कहा था ना मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लाना ही है, तो मैं निकल रही हूँ अभी। ये नया वाला स्कार्फ पहना है, चलो निकलते हैं मार्केट के लिए। गाइस हसने ना चुका है स्कूल से, एक रिक्शे वाले रुको बाबा, लेके जाओ सबको। मैं आई थी ये ब्लूबेरी लेने के लिए, यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट जमी हुई आप देख सकते हो। ये आइसक्रीम लेने आई थी मैं। गाइस यहाँ पानी पूरी का 50 का 2 कह रहे हैं, फालूदा है, फिर रमज़ान की रौनक लगी है क्योंकि ईद बहुत नज़दीक है ना। आप देख और इतनी रश है ना, जैसे कि यहाँ पे फ्री में बट रहा है शरबत, आप देख सकते हो। ये ना माही में मिलता है इस तरह का शरबत, देख सकते हो। कैसे दिए? 12 रुपया ग्लास का। यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगी, पूरा गोश्त मच्छी कपड़े सब चीज आपको यही मार्केट में मिलेगा, इसी तरह भरा हुआ रहता है। एक ही जगह अवेलेबल है, वो मांगुर मच्छी से। कुछ सब्जियां लेनी थी हमको, हम लोग ले चुके हैं मसाला सब्जी, ख़त्म हो जाता है ना रोज़ लगता है हमको, तो लाइए पैसा दीजिए। चलो निकलते हैं बच्चे। आप देख सकते हो मेरा ये पूरा तैयार है और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे तो अच्छा खासा गरम हो चुका है और हमें कम तेल में ही इसे तलना है। तो चलो करते हैं बिस्मिल्लाह। सारे लॉलीपॉप एक एक करके रख देते हैं, तो ना अच्छा होए तक का तलना। ओह चटका लग गया, ऐसा ना हो हम लेडीजों को कभी चटका ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता जिंदगी में। इसे बहुत अच्छे से हिलाना नहीं है, हिलाएंगे तो ये लॉलीपॉप टूट जाएगा, इसीलिए एक जगह अच्छी तरह लाल होने दें उसके बाद इसे हिलाएं। तो किस तरह गोल्डन कलर आ चुका है, इसी तरह दूसरी तरफ भी गोल्डन कलर आना चाहिए, तो ये टूटेगा नहीं बेटर। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं, चलिए बिस्मिल्लाह। ये तो ज़्यादा तेल में डिप होगा। गाइस ऐसा हुआ कि ये तलते तलते ही मेरा बाटला ख़त्म हो गया, और देखो फिर फटाफट बाटला लगा के इसे चढ़ाई, मेरे 10 मिनट ख़राब हो गए पता है बाटला लगाने में। पूरा ये ड्रॉ खाली करके मुझे पूरा सामान निकाल के अंदर घुसाना पड़ा,
पूरा 10 मिनट ख़राब हो गए। जब तक तेल अच्छा गर्म हो चुका था मैंने डाल दी उसमें कांदे के भजिए। बाद में डालूँगी उड़द की दाल के भजिए। मार्केट जाके दही लेके आ चुकी हूँ मार्केट से, और चले बनाएंगे दही बल्ले। अब्बू पूछ रहे थे पर नहीं बनाऊंगी आज, यही सारी ड्राई चीज़ें। तो गाइस ये बन रहा है और टाइम मेरा हो चुका है रोज़ा खुलने का, आप देख सकते हो। और इसके अब्बू कितना चिल्ला रहे मुझे पता है क्या कुछ लेट हो गया। हम लोग कल ही रहे, तुम मामा इधर, तुम लेके आ, तुमको दे दे। अब कौन अंदर नहीं जाने देंगे ना, अबे माइम में ना करते ना अंदर जाने। तो बाबा तुम तो बाबा है ना, तुम जा खुद रख के लेके आ, मेरा काम बजा दो ना, मेरे को लाके दे दो। वो फूल लाके पीस के उसको बना के फिर तो आपको धो लेके जाऊंगा। मेरा क्या करने का बेटा, तू ही खोला गोरा हो जा। अति जादू का कलर ना सीन बोलती 2 मिनट में गोरा हालांकि तू खुल के बोलना, अभी तू डेढ़ किलो मैंने भी 1.5 किलो तूने एक बोला एक ही टाइम पे खाया, मैंने ऐसा बोला जा सकता हूँ 1.5 किलो कुआ हफ्ता चल रहा है। अरे वो भी तो सुन मेरा, तूने पूरी बात सुना रहे। अरे वो दुकान था, अरे 1.5 किलो 90 पूरा हफ्ता चलता है लोगों का, तू पूरी बात नहीं सुन रहा है। 1.5 किलो कीमा बनाएगा पूरा हफ्ता चलता है। तो गाइज इन लोगों के लिए बना रही रोटी सहरी के लिए, हाँ देख सकते हो। और भाई लोगों को देखो वहाँ उसकी एडिटिंग चालू है और महाराज उसका मुंह देख रहा है। One hour later. गाइज देखो इतनी रात में 1 बजे इतने बादल गरज रहे हैं, हम लोग तो डर के मारे बाहर है कि क्या हो गया पता नहीं। हम लोग टीवी वगैरह एसी में कुछ आवाज आ गई, आप देख सकते बादल किस तरह गरज रहे हैं। बिजली आती है उसमें पड़ती नहीं, आप देख सकते हो। हम लोग सब खड़े हुए बाहर डर के। क्या हुआ सायरा घर पे जा, ऊपर आई बिजली, ये बोलती बादल आए बिजली कड़क रही। अल्लाह अकबर, ये कौन सा महीना चलने में को तो समझ में नहीं आ रहा। वैसी बम जैसा फूट रहा हो, देखिए बच्चे की बातें सुने के बम। बाप रे बाप, अल्लाह रहम करे, पता नहीं कहाँ ये बिजली गिरने वाली है। गाइस आप देख सकते हो रात के 1:30 बजने आए हैं, हम लोग सब सोए हुए थे पर ये आवाज ना सभी को उठाएगी। आवाज नींद नहीं आएगी मेरे को, ये बात ध्यान से। सब बच्चे सब उठे हुए, बारिश हो रही है सब बाहर, क्योंकि बारिश अच्छी आ रही, बारिश आ रही है। अरे जादू को बुला रहे होते, जादू आजा, जादू
अरे क्या बारिश आ रही है वो स्नैप ही तुम लोग पे आएगा। आया आया बारिश आया ये पानी जमा करो पानी नहीं आ रहा है पानी नहीं आएगा पानी नहीं आने वाला है जमा करो पानी जमा करो। छत के नीचे ही खड़ी हूँ पर एक बूंद नहीं गिरा है आंख पे बारिश तो आ रही है ये तो लाजमी बारिश आ रही है। चप्पल पहन के खड़े रहो करना मार स्नैप के मजनू टांग टांग स्नैप के लिए तो शॉट ले रहे टांग टांग ए जादू चल ये एकदम सूखा है देखो और एक बूंद पानी हमारे छत पे नहीं गिरी पर आवाज तो देखो पानी नहीं आ रहा है पर आवाज इतनी बारिश की आवाज है पर हमारे इधर एक जरा भी नीचे नहीं गिरा है। बर्फ तो नहीं गिर रहा है शायद बर्फ गिर रही है शायद पानी है पानी नीचे लाइट भी चले गई अच्छा हम लोग ऊपर वाले कोई आया वाइट ला दी टाइल्स पूरी काली होने वाली है इस पानी से देखो होने भी चालू हो गए ये भीग के आते हुए बारिश में क्यों घूमने हैं देखने इसमें तो मजा है नहाने का सलमान भाई के फैन है ये बिना टी शर्ट के घर में भी रहता बाहर भी ये क्या आसमान का पानी गटर का पानी है ये पूरे छत पे जो चिड़िया कौवे बिल्लियों ने पोटी करी तो उसका पानी ले पैसा ना लो मन में ना ले नहा लो ये ना लो इससे मन में ना ले ये पानी ना ये घर में घुसेगा सना दीदी का लकड़ी का दरवाजे नहीं खराब होने वाला है। अरे बाप कितना फास्ट पानी आ रहा है इतनी फास्ट फिर भी देखो कितना मिट्टी वाला पानी आ रहा है जू भर के ये देखो पूरा पानी भर गया चलो नहाते ग्रेट स्की पे ले ग्रेट स्की पे अल्लाह ये देखो कितना फास्ट आ रहा है अभी वो सब छोड़ो गरीब लोग कैसे रहते रहेंगे रोड पे ब्रिज के नीचे वाले उन लोग तो बेचारे लोग ने तालपत्र ऐसा रेती रखती ना रेती के ऊपर लगाए थे तालपत्र अरे बाप रे बाप नीचे की पावर भी चले गई अभी
कंफर्म गई है अभी। बाहर निकल लियो, बंद कर दे। हम करते ही नहीं थे। अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। कभी जो खर्चा नहीं नहीं चलेगा। काली को नहीं लाओ, गोरा हो जाएगा वो। गंदे गंदे हरकते देखो। हाय हाय हाय, ये बर्फ की तरह इतना ठंडा पानी है ना, कुछ नहीं, इतना ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी। और पता नहीं ये बिन मौसम अप्रैल के महीने में बारिश कैसे आ रही है। मेरे बर्थडे में आ रहा है सारी। देखो ना, मन तो समझ ना? में नहीं आ रहा है। तो गाइस देखो किस तरह भीग गए हम लोग बारिश, अचानक की बारिश में। तो दुआ करें, कहते हैं कि ये बिन मौसम बारिश में हम दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल करते हैं। तो हर कोई अपने लिए दुआ करे, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। हमारे तो मस्जिद में बच्चे पहुंच गए, दुआएं मांग रहे सजदे में जाके, क्या करेंगे पता नहीं। कि अभी छत भी गल रही है, अब क्या बताऊँ कहाँ कहाँ से पानी गिर रहा है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपको कल नए ब्लॉग में। पूरे भीग चुके हैं। पूरे भीग चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.